हल्द्वानी शहर में अपराध का दर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन किसी न किसी हादसे से शहर में हलचल मची ही रह रही है, और अब एक बार फिर ऐसी ही हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है रामपुर रोड से, जहां गली नंबर 10 में विष्णुपुरी मंदिर के पास एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां बदमाश ने मौके का फायदा उठाकर गली में एक अकेली लड़की को रोक लिया और छीना झपटी कर उसके कीमती मोबाइल छीन कर वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई इस वारदात में लुटेरा लड़की का पीछा करते हुए दिखाई दिया, और जैसे ही बदमाश ने लड़की को अकेला पाया तो उसने उसे दबोच लिया और लड़की से मारपीट कर नीचे गिरा दिया, जिसके बाद लड़की से मोबाइल फोन छीन कर वहां से भाग गया। वहीं जब तक पीड़ित लड़की खुद को संभाल कर बदमाश को पकड़ने को भागी, तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुका था। इधर लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर आ गए। रात करीब 8 बजे हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में काफी डर का माहौल बना हुआ है, और उन्होंने पुलिस से इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई है। इसके अलावा एक दूसरी खबर सामने आई है उधम सिंह नगर से, जहां एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर थाना गदरपुर पुलिस ने 8 वाहनों को ओवरलोड में सीज कर लिया है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 2 वाहनों के कोर्ट चालान और 22 वाहनों के नगद चालान कर कुल 11,000 वसूले हैं। इसके साथ ही अन्य वाहनों का वजन कराने पर कुल 27 वाहन अंडर लोड पाए गए। सभी वाहन चालकों को अंडर लोड वाहन चलाने की ही हिदायत दी गई, और भविष्य में भी ओवरलोड के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि जिले में खनन और मिट्टी ढोने वाले डंपरों में बड़ा खेल हो रहा है। डंपर निर्धारित सीमा से 3 गुना ज्यादा माल भरकर सड़कों पर चल रहे हैं। इसकी वजह से सड़कें टूट रही हैं। हाईवे पर कई थाना क्षेत्रों को पार करने वाले इन वाहनों पर पुलिस की नजर नहीं पड़ती, या फिर पुलिस इन्हें देखकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। इसको लेकर लोग लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग करने वाले अधिकांश डंपर खनन माफियाओं के हैं। जिले में ये खेल सेटिंग के माध्यम से हो रहा है, लेकिन अब प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई में जुट गया है।